दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुपमा सीरियल में अनुपमा के दोस्त अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर लाखों करोड़ों दर्शकों के फेवरेट बनने वाले अभिनेता गौरव खन्ना आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज इनका ये सीरियल बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुका है और साथ ही इनका किरदार भी। तभी तो आज इनकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, आज आप इनके बारे में तो काफी कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके फर्श से लेकर अर्श तक की स्टोरी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इन्हें सीरियल में कैसे काम मिला और इन्होंने करियर के दौरान क्या क्या स्ट्रगल किया? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही अपने फेवरेट अभिनेता गौरव खन्ना के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों गौरव खन्ना अनुपमा सीरियल में अनुपमा के दोस्त अनुज कपाड़िया की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अपने इस किरदार से बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अभिनेता गौरव खन्ना के फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी के बारे में। बता दें, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, पर इसके बावजूद इनके माता पिता ने इन्हें MBA तक पढ़ाया क्योंकि वो चाहते थे कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। पर गौरव खन्ना को एक फेमस बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सुपरस्टार बनना था, पर ये उस दौरान अपने बेसिक खर्च उठाने के लिए छोटे मोटे जॉब किया करते थे, साथ ही साथ एक्टिंग भी सीखा करते थे क्योंकि इन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी ज्यादा थी और ये एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते थे, जिसके लिए ये अपनी जॉब से टाइम निकालकर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने जाया करते थे। और जब इनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया तब इन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला करके सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग सीखने पर ही फोकस किया और कुछ टाइम बाद अपनी फैमिली मेंबर के खिलाफ जाकर मुंबई चले गए, जहां पर इन्हें शुरुआत में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और यही वजह है कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी सीरियल या फिल्म से नहीं बल्कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट से की, जहाँ ढेरों एडवर्टाइजमेंट करने के बाद इनके अभिनय को देखते हुए इन्हें पहली बार साल 2003 में टीवी सीरियल में काम करने का ऑफर आया, जिसे अपनाते हुए इन्होंने कयामत से अपने करियर की शुरुआत की और इसी सीरियल में रितेश का किरदार निभाया और बहुत ज्यादा मशहूर हो गए, जहां इस सीरियल के बाद इन्हें सिद्धांत, भाभी और कुमकुम एक प्यारा सा बंधन जैसे कई सीरियल में अभिनय करने का मौका मिलता चला गया। और जब इन्हें ये प्यार ना होगा कम में अभिनय करने का मौका मिला तब इनके अपोजिट यामी गौतम अभिनय करती हुई नजर आई थी और इस सीरियल के दौरान इनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। पर अफसोस, कुछ टाइम बाद इनकी पॉपुलैरिटी दोबारा से घटने लगी और इन्हें टीवी शो में काम मिलना लगभग बंद हो गया, पर इन्होंने हार नहीं मानी। लगातार सीरियल के लिए अपनी ऑडिशन देने जारी रखे, तभी जाकर अब ये वर्तमान में टेलीकास्ट हो रहा शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और इनका यही सीरियल सभी सीरियल से ज्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुआ है। साथ ही साथ ये खुद भी इस सीरियल के जरिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुके हैं और कुछ इसी तरह की रही है गौरव खन्ना की फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी। तो दोस्तों, आपका अभिनेता गौरव खन्ना के स्ट्रगलिंग करियर के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।